हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। आज मैं आपके लिए हल्दीराम जैसे फलाहारी नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यदि आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप यह रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं जिनका कि मैंने छिलका निकाल लिया है। ये कच्चे आलू हैं, ये काले ना हो इसलिए मैंने इसे पानी में डुबा कर रखा है। यहाँ पर हम एक वेजिटेबल कटर लेंगे और इससे हमें आलू के जूलियंस तैयार करने हैं, आलू के लच्छे निकालने हैं। तो इसके लिए मैंने ब्लेड लगा दिया है और इस ब्लेड से हम इसे इस तरीके से कद्दूकस करते हुए आलू के जूलियंस तैयार करेंगे। इससे बहुत ही अच्छे जूलियंस बनकर तैयार होते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया एक समान जो जूलियंस है वो तैयार होंगे, जिससे कि हमारा नमकीन देखने में बिल्कुल मार्केट के नमकीन की तरह लगेगा। इससे मैंने ये लच्छे बनाए हैं। यदि आपको यह कटर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे लच्छे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने तीनों आलू के जो लच्छे हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे पानी में डालकर अच्छे से धोएंगे जिससे कि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो आप आलूओं के जो लच्छे हैं इसको पानी में डालकर इस तरीके से हाथों से हिलाते हुए अच्छे से वॉश कीजिएगा। इसका स्टार्च निकलना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप इसको 2 से 3 पानी में जरूर धोए। तो एक बारी मैंने इसको धो लिया है, अब हम इसको दूसरे पानी में डालेंगे। तो सारे लच्छों को हाथों से उठाकर मैंने दूसरे पानी में डाल दिया है। देखिए जो पहला वाला पानी था उसमें कितना सारा जो है स्टार्च हमारा निकल चुका है। अब दूसरे पानी में हम इसको धोएंगे। अब हम इसको तीसरी बारी पानी में डाल रहे हैं। देखिए यह पानी बिल्कुल साफ है। अब हम इसको एक जाली पर रखकर डाल देंगे इस तरीके से, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। देखिए इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल गया है। मैंने 5 मिनट इसको इसी तरीके से रहने दिया है। अब हम एक साफ टॉवल पे इसको फैला लेंगे या आप किसी सूती कपड़े से इसको फैला लीजिए। हमें इसके ऊपर जो हमने इसको वॉश किया है वो सारा पानी जो है निकल जाना चाहिए। तो इसको 5 से 10 मिनट मैंने ऐसे ही रहने दिया है और इसका जो है सारा पानी निकल गया है। हमारे लच्छे देखिए बिल्कुल भी पानी इसके ऊपर नहीं है। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है और इसमें मैंने 1 कप मूंगफली डाली है और इसे हम चटकने तक फ्राई होने देंगे। मूंगफली जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। मूंगफली को हमें चटकने तक फ्राई होने देना है। और यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम मैंने लिए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत हल्का ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और हमें लच्छे फ्राई करने के लिए बहुत गर्म तेल चाहिए। इसमें हम सावधानी पूर्वक लच्छे डालेंगे। ध्यान रखिए लच्छों को डालते वक्त आप हाथों को ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर तक इसके बुलबुले आते हैं। और इसे आप तेल में गर्म गर्म तेल में ही फ्राई कीजिएगा, आपको कहीं पर भी फ्लेम को लो नहीं करना है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं और बिल्कुल एक से दिख रहे हैं। अब हम इसको इस तरीके से तेल से निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने देखिए इसको ऊपर कर लिया है और दोबारा से अब हम इसको तेल में डालेंगे। ऐसा करने से जो हमारे लच्छे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसको देर ना करते हुए निकाल लेंगे और इनमें जो हल्का ब्राउन कलर है वो भी आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमको देर तक नहीं पकाना है, फटाफट हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम जो है सारे लच्छों को फ्राई कर लेंगे और इन्हें हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें सभी चीजों को मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं और बहुत ही बढ़िया इनका रंग आया है, बिल्कुल मार्केट की तरह ये बने हुए हैं। तो आप भी घर पर ऐसे जरूर बनाइएगा। देखिए ठंडा हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी है और एक एक जो हमारे लच्छे हैं अलग अलग है, कहीं से भी चिपके हुए नहीं है और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुए हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें किशमिश मिलाई है। फ्राई की हुई मूंगफली, काजू और बादाम हम इसमें मिक्स करेंगे
और हाथों से आप इसे हल्के से मिक्स कीजिए। चम्मच से मिक्स करने पर ये टूट सकते हैं, इसलिए आप इसको साफ हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच या स्वाद अनुसार आप इसमें सेंधा नमक या फलाहारी नमक मिक्स कीजिए। और मैं इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिक्स कर रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम है यहाँ। और इन सभी चीजों को डालने के बाद हम हाथों से एक बारी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये नमकीन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसे जार में बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे एक सप्ताह से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये नमकीन बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल हल्दीराम जैसा मार्केट स्टाइल हमने नमकीन तैयार किया है। तो इस महाशिवरात्रि के व्रत में आप इस नमकीन को जरूर बनाइएगा। और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।